नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में लगातार आर्थिक गतिविधियों की धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां इंदौर के चार आरोपियों ने चंडीगढ़ के व्यापारी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। दरअसल चंडीगढ़ निवासी सुभाष बंसल द्वारा तुकोगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ आरोपियों द्वारा उनके साथ लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल सुभाष बंसल द्वारा यहां किसी कंपनी से लोन लिया गया था, जो उन्होंने नियत समय अवधि में चुका भी दिया, लेकिन उसके बाद भी बकाया राशि ये निकालते रहे। जांच में ये बात सामने आई है कि इन आरोपियों द्वारा सुभाष बंसल के नाम पर अलग अलग खाते खुलवाकर उस पर भी लोन करवा लिया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया है। इसमें फरियादी बंसल हैं, जो मूलतः चंडीगढ़ के निवासी हैं। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन देकर वरिष्ठ कार्यालय पर शिकायत की गई थी कि इनके जो लोन लिया था संबंध तथाकथित आरोपियों से, और उसके बाद उनने लोन भी वापस किया, लेकिन उसमें कई तरह की अनियमितताएं दिख रही थीं और कई तरह के उसमें खाते भी ऐसे आए जो कि लग रहा है कि फर्जी खोले गए हैं। इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। प्रारंभिक जांच करने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विस्तृत जांच की जा रही है। सर, कुछ महिला आरोपी भी इस प्रकरण के साथ काम कर रही है? इसमें अभी उनके जो सहायक तो हैं उनको रखा हुआ है, बाकी इसके वो पूर्व से ही कई प्रकरण हैं। इसमें 376 का भी प्रकरण है, साथ ही साथ 420 के प्रकरण हैं, तो पुलिस उसमें भी वांटेड है और इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर, इनाम राशि लगातार फरार चल रहा है, अभी इसमें इनाम राशि भी बढ़ाई गई है, इसमें 20,000 रुपए इसमें इनाम किया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।